हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, ये हमें स्टडी करना है। और कितने केसेस हमारे बनेंगे ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हर एक केस में हमें इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलती है इमेज की, तो उन सभी को हमें स्टडी करना है। तो आपको मैं बता दूं, कॉनकेव मिरर के केस में हम लोगों को 6 केसेस स्टडी करने हैं। 6 अलग अलग केसेस होते हैं और 6 पोजिशन भी बनती हैं इसमें। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, सपोज ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग पोजिशंस हमें मिलेंगी। हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं, ये हमारा सेकंड केस है। एफ और सी के बीच में रख सकते हैं, थर्ड केस, सी पे रख सकते हैं, फोर्थ केस, बियॉन्ड सी रख सकते हैं, फिफ्थ केस, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है। इन्फिनिटी क्या है वो सब हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सभी हमारे 6 पॉसिबल केसेस हैं जिनको हमें स्टडी करने हैं। और हर एक केस में हम देखते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले पहला केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यह हमारा कॉनकेव मिरर है, द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने स्टडी किया था ये जो डिस्टेंस होती है और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपको इस तरीके से डिस्टेंस लेना है कि जो फोकस होगा वो मिड पॉइंट पे रहे, ठीक है। फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन आप लोग 4 सेंटीमीटर ये ले लो, तो 2 सेंटीमीटर पे आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट केस स्टडी करना है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, लाइट रे को पास कराएंगे, या जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज मिरर में बनती है। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, कॉनकेव मिरर के सामने, तो इसकी इमेज बनेगी, किस टाइप से इमेज बनेगी और कहाँ पे बनेगी ये भी आता है। व्हाट इज़ द नेचर, व्हाट इज़ द पोजीशन एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज, ये 3 चीज़ें हम लोग इससे डिटरमाइन करते हैं, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए या किसी भी पॉइंट की इमेज को बनाने के लिए हमें 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग 2 रूल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो अगर हम क्या करते हैं, इसके जो इसका टॉप पॉइंट है जहाँ पे एरो बना हुआ है उस पॉइंट की इमेज बना देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी उसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो पहला वाला रूल सभी को याद होगा कि अगर हम लाइट को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड करेंगे, तो ये क्या करता है, इट पासिस फ्रॉम द फोकस। तो ये लाइट रे जो है ये क्या करेगा, फोकस से पास कर जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने 2 रूल यूज करने हैं, तो एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल अगर हम देखें, एक हमने रूल पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि अगर हम लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो एक लाइट रे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं,
तो ये जो लाइट रे हमने इंसिडेंट कराई थी, ये सेम पाथ में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो लाइट रे आ रही है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, दूर जाता जा रहा है। तो इस तरीके से तो ये कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि इस साइड में अगर हम देखते हैं तो लाइट रेज क्या हो रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इन लाइट रेज को आगे प्रोड्यूस कराएंगे। तो अगर हम इन लाइट रेज को आगे प्रोड्यूस कराते हैं, ध्यान रखना है कि ये जो लाइट रेज होंगी ये स्ट्रेट लाइन होगी पूरी, ठीक है, दिस मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। वैसे ही जब हम इसको प्रोड्यूस कराएंगे, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे आके लाइट रेज क्या करती हैं, मीट कर जाती हैं, और जिस पॉइंट पे ये लाइट रेज मीट करेंगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका एरो वाला जो टॉप हेड था उसको लिया था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका टॉप एरो वाला पॉइंट ही बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। हाँ, इस इमेज को हमें क्या करना है, डैश डैश लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या इस इमेज में हमें क्या चीज़ें फाइंड करनी है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है, पहला पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा है नेचर ऑफ इमेज, एंड थर्ड इज साइज ऑफ इमेज। तो ये तीन चीज़ें हम लोग डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम बता सकते हैं इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इट इज बिहाइंड द मिरर। सेकंड हमें बताना था नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं या दे अपीयर टू मीट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्चुअल में लाइट रेज तो रिफ्लेक्शन के बाद इस साइड आ गए होंगे, तो इस साइड में तो कोई भी लाइट रे नहीं गई है, तो एक्चुअल में क्या लाइट रे मीट कर रही हैं, तो आंसर है नहीं कर रही हैं, ठीक है। हम लोगों ने उनको पीछे प्रोड्यूस किया, तो दे हम बोल सकते हैं दे अपीयर टू मीट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल मिलने की वजह से, लाइट रेज के एक्चुअल में मिलने की वजह से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया था वही, जो ऊपर वाला पॉइंट था वही ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे वर्चुअल, क्योंकि लाइट रे मीट नहीं करती एंड इट इज सेम साइड अप, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज बनी है, इसीलिए इरेक्ट है। एंड व्हाट इज द साइज, तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। ध्यान रखना है जो भी ये लाइट रेज होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है, विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्केल हम लोग इन लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे, ओके। तो अब रूल नंबर टू हम लोग स्टडी करते हैं, या सॉरी सेकंड केस स्टडी करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। फिर से हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पोजिशन, साइज एंड नेचर, ठीक है। तो सेकंड केस हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यह हमारा कॉनकेव मिरर है, पोल फोकस दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तब देखते हैं इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो फिर से हमें कितने रूल्स की रिक्वायरमेंट है, टू रूल्स की। पहला रूल, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड करेंगे। अगर हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या करेगा, इट विल पास फ्रॉम द
फोकस। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को प्रिंसिपल फोकस से पास करा देंगे। तो ये लाइट रे क्या कर रही है, फोकस से पास कर रही है। इसके अलावा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइट को सेंड कर सकते हैं या कोई दूसरा रूल भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा जो भी रूल हम यूज़ करना चाहें। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास कराएंगे इस तरीके से हमने क्या किया, नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो ये सेम पाथ में लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दोनों रूल्स हमने यूज़ कर लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लाइट रेज हैं दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। अगर आप लोग एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस लेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली पैरेलल लाइट रेज मिल जाएंगी। तो इसमें ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइट रेज हैं तो ये यहाँ पे भी नहीं मीट करेंगे और इस साइड में भी मीट नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग थोड़ा सा अजम्पशन ले लेते हैं कि बहुत दूर जाके ये लाइट रेज कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा एक अजम्पशन है, इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे जब हम सिक्स्थ केस स्टडी कर लेंगे। तो जब ये बहुत दूर जाके मिलेंगे तो हम बोल देते हैं कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी, एक ऐसी जगह ये बहुत दूर होगी यहाँ से। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो एट इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आंसर है एट इन्फिनिटी। व्हाट इज द नेचर, तो हम मानते हैं कि लाइट रे मीट करेंगी तो आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अगले वाले केस में ये चीज़ क्लियर समझ आ जाएगी कि रियल एंड इन्वर्टेड से क्या मतलब है। एंड व्हाट इज़ द साइज़, तो हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होती है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग जब हम लोग लास्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा सेकेंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस, तो इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और साइज़ कैसा होता है, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, इतना ज़्यादा बड़ा हमारा इमेज बनेगा। अब थर्ड केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड, इसे थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा उसको स्टडी करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ दैट इज फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस के बीच में रखेंगे तब देखते हैं हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए, हम लोगों ने डायग्राम तो ड्रॉ करना है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एफ और सी के बीच में रखना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से हमें रूल्स यूज़ करने हैं जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं। चलो ठीक है, तो पहला रूल, अगर हम लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड करेंगे तो फिर से ये क्या करेगा, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। तो लाइट रे को क्या करेंगे, हम फोकस से पास करा देंगे। तो हमने क्या किया, लाइट को फोकस से पास करा दिया। अब इसके अलावा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल है, अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो
मिरर बहुत बड़ा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इतना बड़ा मिरर हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। चलिए ठीक है, तो और भी तो रूल्स हमने स्टडी किए हैं। हमारे पास एक रूल था कि अगर हम लाइट को पोल पे इंसिडेंट करेंगे तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, या फोकस से पास कराएंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा। हम इन दोनों में से किसी भी रूल का यूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फोकस वाला केस यूज़ कर लेते हैं, रूल कि अगर हम लाइट को प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो ये जो लाइट रे आ रही थी ये यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम होनी चाहिए। ओके, तो जिस पॉइंट पे लाइट रे मीट करेगी वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए हमने लाइट रे जो ली है वो कहाँ से लिए हैं, एरो वाले पार्ट से, जो हमारा एरो बन रहा है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ये मीट करेंगे वहाँ पे भी एरो बनेगा, तो इमेज कैसे बनेगी देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करा देंगे, तो ये हमारा इमेज बन गया। और पोजीशन को हम क्लियर देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो तीनों चीज़ें फिर से हमें फाइंड करनी है। पोजीशन, तो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर में हम लोग देख सकते हैं लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, तो हम साइज को देख के पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो था उससे बड़ा साइज में इमेज जो बन रहा है, तो इट इज मैग्नीफाइड या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, सी के पीछे बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। क्योंकि देखिए ये टॉप पॉइंट यहाँ पे है, इसका टॉप पॉइंट नीचे बनता है, तो हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सीधा था उसकी पलट के ऐसे इमेज बनती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। वैसे ही हम लोग फोर्थ केस को भी स्टडी कर लेते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, फिर से हमें इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको भी देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें बेटा ड्रॉ करने का एक ट्रिक है, या आप नॉर्मली रूल्स लगाइए, सारी कैलकुलेशन प्रॉपर रखिए, तो आपका डायग्राम जो बनेगा वो प्रॉपर बन जाएगा। ध्यान रखना है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट लेनी है इस केस में, वरना आपका डायग्राम प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस मैं बता देता हूँ, ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे और डायग्राम भी अच्छे से बना सकते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर से हमें क्या करना है, अपने रूल्स यूज़ करना है। पहला रूल, अगर हम लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड करेंगे देन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो हम इसको क्या करेंगे, फोकस से पास करा देंगे। रूल नंबर टू, अगर हम लाइट को प्रिंसिपल फोकस से पास कराते हैं देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या किया, लाइट को प्रिंसिपल फोकस से पास करा दिया, तो अब क्या होगा, ये लाइट रे जो होगी ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली नीचे बनती है इसके। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, और दोनों का साइज़ कैसा है? सेम रहता है, तो सेम पोजीशन पे बनता है, सेम साइज़ रहता है। नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी इमेज बनती है। तो पोजीशन एट सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज़ सेम साइज़, ये हमारा फोर्थ केस है। इसी तरीके से हम लोग फिफ्थ केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तब क्या होगा? इन तीनों चीज़ों को फिर से हम उसमें भी फाइंड करेंगे। हम सेम रूल्स यूज़ करेंगे जो अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो जब हम लाइट रेस को यहाँ से, फिर से रूल नंबर वन, अगर लाइट को हम पैरेलल सेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। तो इसको हम फोकस से पास करा देंगे, तो ये फोकस से पास कर गया। और रूल नंबर टू, अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये क्या करेगा, सेम पाथ पे लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करा देगा, मतलब लाइट यहाँ से आएगी और वापस चली जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों लाइट रेज क्या करते हैं, इस पॉइंट पे मीट करते हैं। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट करेंगे वहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए पोजिशन ऑफ इमेज हमारे पास आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। वट इज़ द पोजिशन ऑफ इमेज, तो आंसर है बिटवीन एफ एंड सी, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज, तो हम देख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब एक और केस बचता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। चलिए सिक्स्थ केस भी कंसिडर कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो देखिए इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी समझ लो, क्योंकि इन्फिनिटी मैंने अभी बताया था वो ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो इसका एक ट्रिक है जिससे हम डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट या इन्फिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ से जब भी लाइट रे आती है तो मान लेते हैं कि लाइट रे इस टाइप से पैरेलल आ रही है, इससे आपको डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। और ये जो पैरेलल लाइट रे आ रही है, हम जानते हैं जब भी लाइट रे पैरेलल आता है तो वो कहाँ पर मीट करेगा, फोकस पे। हम इस तरीके से लाइट रे को ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, एक पॉइंट इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और ये इसकी पॉइंट इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी वाले केस का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पोजीशन की अगर हम बात करेंगे इमेज की, पोजीशन होगी एट फोकस, नेचर क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज, तो आंसर है हाईली डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है? डिमिनिश्ड मतलब होता है स्मॉलर, वेरी मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा समझते हैं, मैंने आपको बताया था रियल एंड इन्वर्टेड समझ आया, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट करती है। जैसे हम बात करेंगे सन और उसकी इमेज की, कि हम मिरर की हेल्प से सन की इमेज बना लेते हैं, तो वो इमेज जो होगी वो बहुत छोटी होगी। और अगर हम देखते हैं कि सन से उस छोटे से ऑब्जेक्ट का क्या कोई कंपैरिजन है, तो आंसर है नहीं है। इवन हम अर्थ को सन से कंपेयर नहीं करा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है उसके साइज़ में। तो क्या हम लोग साइज़ में कोई कंपैरिजन करेंगे? नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड। अब सोचिए, जो सन हमारे यहाँ से लाखों किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, उसकी हम इमेज को बना लेते हैं, तो हमने क्या मान लिया कि दैट पॉइंट इज़ इन्फिनिटी, और वहाँ से जो लाइट रे आ रही है उसकी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। तो सेम केस जब हम लोगों ने सेकंड केस स्टडी किया था, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो हम मान लेते हैं कि ऐसे ही कहीं दूर जगह पे जाके इमेज कहीं मीट करती होंगी और वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।